या आपको अप्लाइड ईएमएफ लेना है, ठीक है। चाहे आप लोग सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर पढ़ो, सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर हो, या सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर हो, आपको जो अप्लाइड ईएमएफ है वो अप्लाइड ईएमएफ ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी ही देना है। इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो, आपका अप्लाइड ईएमएफ हो गया। सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ तो अप्लाइड ईएमएफ जो है वो होगा इक्वल टू जीरो साइन ओमेगा टी। इसमें आपने रेजिस्टर जोड़ा है, दैट मींस सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर हो गया। आपने अप्लाइड ईएमएफ दिया इक्वल टू जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। जब आप ईएमएफ अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो होगा। अब आपको करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, सिंपल है बिल्कुल। आपको यूज करना है ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ वी कैन राइट वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर वी वोल्टेज, मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका ईएमएफ। आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है आई का, तो आप आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिखोगे, ठीक है। आपके पास में ई जीरो है, सॉरी ई है, तो ई इक्वल टू क्या हुआ ई जीरो साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन आर, दिस इज मल्टीप्लाई विद साइन ओमेगा टी, होगा कि नहीं होगा। अब आप लोग देखो ये जो इक्वेशन है ई जीरो अपॉन आर, इट इज सिमिलर टू द ओम्स लॉ, क्योंकि यहाँ पर ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपने क्या लिखा ई इज इक्वल टू आई आर। आप यहाँ से आई अगर निकालोगे तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ई एम एफ का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा कि नहीं। इसका मतलब आपने यहाँ पर जो ई जीरो अपॉन आर लिखा हुआ है ये आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन आर होगा, और ये इक्वेशन बनेगा आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर। सिंपली क्या किया आपने, अप्लाई किया ईएमएफ इक्वल टू जीरो साइन ओमेगा टी दिया, ओम्स लॉ का यूज किया, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वी के जगह पर आपका आ गया ई, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया आई आर, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर हो गया। तो ई के जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करोगे ई जीरो साइन ओमेगा टी, तो आपको मिल जाएगा आई इक्वल टू ई जीरो अपॉन आर, मतलब ये वाला साइन ओमेगा टी। लेकिन ये ई जीरो मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, तो ये ई जीरो अपॉन आर मतलब हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो इंस्टेड ऑफ दिस ई जीरो अपॉन आर जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट आई जीरो, यू विल गेट आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास में ईएमएफ का इक्वेशन ऑलरेडी था, अब आपके पास में करंट का इक्वेशन आ चुका है। अब दोनों इक्वेशन को आप लोग कंपेयर करो, अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो फेज डिफरेंस आपको जीरो मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इट इज क्लियर दैट फेज एंगल, अब फेज डिफरेंस बोल, फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड ई, दैट मीन्स करंट एंड ई एम एफ इज जीरो, फेज डिफरेंस क्या हो गया जीरो। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर बना दिया जाए, दिस इज ओमेगा टी, मतलब ये फेज एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जीरो एंगल, पाई बाय टू एंगल, पाई बाय पाई आएगा यहाँ पर, पाई बाय टू आएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका टू पाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आई जीरो लिखो, पॉजिटिव साइकिल है प्लस आई जीरो, इधर आ जाएगा आपका माइनस आई जीरो, उसके बाद में यहाँ पर लिख लो आप लोग प्लस ई जीरो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई जीरो, मतलब ये जो स्केल है ये आपका हो गया करंट आएगा,
और ये वाला जो स्केल है वो आपका हो गया EMFE का, ठीक है। अब आपको इसके ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सिंपल है, आपको आई के चार वैल्यूज लेना है। तो चार वैल्यूज कैसे लेंगे, तो यहाँ पर आप लोग पहले जीरो रखो, तो जीरो एंगल के लिए बताइए। देखो जीरो फेज है, जीरो फेज के लिए साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये टोटल जीरो हो गया, तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। उसके बाद में जीरो के बाद में एंगल कितना दिया हुआ है, पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू, दैट मींस साइन 90 इज इक्वल टू 1 इनटू आई जीरो, मतलब क्या हुआ, आई जीरो। इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ में आई जीरो के साथ में बराबर कर दो, ठीक है। करंट का स्केल है ना, ये बराबर पाई बाई टू के सामने दिया, ये पूरे वैल्यू जो है वो आई जीरो के रहेंगे डिफरेंट एंगल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे वैल्यू रहेंगे वो माइनस आई जीरो के रहेंगे डिफरेंट एंगल्स के लिए। अब आप यहाँ पर रख लो पाए, तो साइन पाए मतलब साइन 180, साइन 180 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फिर से यहाँ पर आ जाएगा जीरो। उसके बाद में कितना रखोगे, थ्री पाई बाई टू, साइन थ्री पाई बाई टू दैट मीन साइन 270, साइन 270 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू आई जीरो कितना हुआ, माइनस आई जीरो, माइनस आई जीरो वाला लाइन हो गया यहाँ पर। उसके बाद में टू पाए, तो साइन टू पाए मतलब साइन 360, फिर से क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर ऐसा ग्राफ आएगा, आप इसको बना दो ग्राफ को, बन गया ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ आई इक्वल टू आई जीरो साइन टू। फेस डिफरेंस जीरो होने के कारण, ई एम एफ और करंट में फेस डिफरेंस जीरो होने के कारण, जहाँ से करंट का ग्राफ स्टार्ट हुआ वहीं से ई एम एफ का होगा, जहाँ जहाँ से करंट का ग्राफ पास हुआ है उसी एंगल से ई एम एफ का ग्राफ भी पास होगा, बिकॉज देयर इज नो फेस डिफरेंस। अगर 90 डिग्री का फर्क होता तो फिर ये दोनों अलग अलग पोजिशन से पास होता, अलग अलग एंगल से पास होता है। अब आपको बनाना है ई जीरो के लिए, तो ई जीरो को यहाँ पर देखो, फिर से वही वैल्यू सब्सिट्यूट करो, पहला वैल्यू कौन सा है यहाँ पर, जीरो। तो जीरो अगर रखोगे तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये आपका पहला वैल्यू जीरो यहीं पर आ गया। उसके बाद में पाई बाई टू के लिए, पाई बाई टू के लिए या तो प्लस ई जीरो होगा या तो माइनस ई जीरो होगा, तो देखते हैं। यहाँ पर आपको पाई बाई टू, तो साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1 इनटू ई जीरो, मतलब ई जीरो इसी के सामने यहाँ पर डॉट कर दो। उसके बाद में पाई रख दो, तो साइन पाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब यहाँ पर फिर से यहाँ पर आ जाएगा। उसका क्या सब्सिट्यूट करोगे आप लोग, थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू सब्सिट्यूट करोगे तो 270 हो जाएगा। उसका वैल्यू होता है माइनस 1, माइनस 1 इनटू ई जीरो माइनस ई जीरो, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में टू पाई करें फिर से जीरो आ जाएगा। आप लोग इसको बना दो, बन गया। तो ये हो गया आपका ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा। ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर करंट एंड ईएमएफ व्हेन द सर्किट कंटेनिंग ऑन द रेजिस्टर। तो दोनों में मेन ये रहता है कि आप यहाँ पर फेज डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आया आपका, जीरो। और उसके बाद ये आएगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।